नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक टोयोटा गाड़ी आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग की टोयोटा गाड़ी जिसका नंबर है HR05AV5555 नंबर, और गाड़ी आप देख सकते हैं अच्छी खासी हालत के अंदर ये गाड़ी है। लेकिन बता दें कि लगभग 45 दिन पहले इस गाड़ी का एक हादसा हो गया था। इस समय हम एजेंसी पर खड़े हैं टोयोटा की, और जिसमें ये आगे से लॉस में हो जाती है, नुकसान हो जाता है। ये आगे से देख लीजिए इस गाड़ी को, और फिर इसका एस्टीमेट बनाया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, इसके अंदर जो है इस गाड़ी को टोटल लॉस दिखाया गया। हालांकि अंदर एयरबैग जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन ये रिपेयरेबल होते हैं, ये बदले जा सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी को टोटल लॉस दिखाकर कस्टमर को इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि ये गाड़ी 45 दिन से इसी जगह पर खड़ी हुई है, जो कि टस से मस नहीं हुई है, जिसको लेकर 45 दिन तक जो है इस गाड़ी को कस्टमर को दिखाया भी नहीं गया, और बाकायदा हैरेसमेंट हो रही है उसकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और कस्टमर जो है इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब जो है उन्होंने एक तरीके से आज उनको सड़क तक जाम करनी पड़ी। बात करने की कोशिश करते हैं सर, पूरा मामला क्या है एक बार बताइए। ये गाड़ी 45 दिन से यहाँ खड़ी है। 45 दिन से हमने, हमारे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी ग्राउंड में, हमने इनको फ़ोन कर दिया, गाड़ी उठा ले आए हैं। उठाने के बाद इन्होंने कहा भाई ये रिपेयर हो जाएगी। इन्होंने कंपनी से फ़ोन किया, यहाँ आते रहे भाई, ये कंपनी ये गाड़ी रिपेयर कर दो। अच्छा। ये कहते हैं जी कंपनी ये रिपेयर नहीं होती, टोटल लॉस में जाएगी। मैं कह लगा भाई टोटल लॉस में किस लिए जाएगी? कह लगे जी इसका ऐसे ऐसे लो वो है, 15 लाख मिलेगा आपको। मैं कह लगा मैं रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं लॉस नहीं लेना चाहता। कह लगे जी इसमें ज़्यादा पैसे लगे, मैं जितना कंपनी देना चाहती है वो दे दे, बाकी जो ज़्यादा लगता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पता गए कुछ नहीं बताते, 48,000 रुपये ज़्यादा लगता है। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ कि भाई मैं इन कल मेरे पास फ़ोन आता है, अगर आपकी गाड़ी हमने खरीद ली है और आप टोयोटा कंपनी में आके, ग्लोबल टोयोटा कंपनी आके साइन करके जाओ। ये बात किसने बोली फोन? ये कंपनी इनके ही आदमी, टोयोटा के आदमी ने बोली है या कंपनी के इंश्योरेंस है, हमें उसका नहीं पता। नंबर उसका है, उनके पास ही है, कंपनी वालों के पास ही, टोयोटा कंपनी वालों। आपने बेचने के लिए बोला? नहीं, हमने बेचने के लिए बोला, हमने रिपेयरिंग के लिए खड़ी की है। लेकिन आपको कॉल आया कि आपकी गाड़ी बेच दियो, साइन करके जाओ। क्या रे, टोटल लॉस दिखाया? हाँ, हमने 17,03,000 में खरीद लिया है। और बता रहे 75% का जो इसके अंदर अमाउंट था लोन, वो कहते हैं भाई इसके अंदर जो गाड़ी हम रिपेयर करके देते हैं 75 से ज्यादा जो होगा तो हम गाड़ी के फुल पेमेंट, मतलब टोटल लॉस देंगे। ये कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी मिले भगत है, इनको पता है गाड़ी ज्यादा महंगी है और जान के 30-40 हज़ार रुपये ज्यादा बिल बढ़ाया। कितने का था गाड़ी का? मतलब 16 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस बढ़ाया, और इसमें 12,48,000 रुपये जानकर इन्होंने एस्टिमेट बढ़ा दिया। 12 लाख रुपये का एस्टिमेट बनाया गया? 12,48,000 रुपये का एस्टिमेट बना, मेरे को तो 9,48 का भेजा है इन्होंने। ठीक है, मेरे पास जो है एस्टिमेट दिया वो 9,48 का है। सर, आपको लगता है बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं? हाँ? कस्टमर को केवल एक तरह से। दोस्तों, इनसे दोबारा हम बात करेंगे, आप एक बार जरा गाड़ी को देख लीजिए। गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी जो कि अच्छी खासी हालत में, इस समय मैं इस गाड़ी को देख रहा हूँ, ये गाड़ी बिल्कुल ओके है आप देख सकते हैं, लेकिन इसे टोटल लॉस दिखाया गया है। आप देख लीजिए गाड़ी आगे से जो है डैमेज हुई है, अंदर इसके जो एयरबैग हैं वो चेंज होने हैं, विंडस्क्रीन चेंज होनी है, गाड़ी का जो पिलर है वो भी आप देख लीजिए इस समय बिल्कुल सही हालत के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो ये गाड़ी है इसे टोटल लॉस दिखाया गया। टोटल लॉस दिखाने के बाद यानी कि इस गाड़ी को ये दिखाया गया कि अब ये गाड़ी जो है चलने लायक नहीं है, यानी कि अब ये गाड़ी जो है रिपेयर नहीं हो सकती, इसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन मैं आपको साइड प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी का, एक बार अच्छे से मैं साइड प्रोफाइल आपको दूर से दिखा दूँ तो पूरी गाड़ी आपको हम दिखा देते हैं। पूरी गाड़ी एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, और इस गाड़ी को 75% से ज़्यादा का जो अमाउंट है, रिपेयर अमाउंट इसका बनाकर जो है कस्टमर को 45 दिन तक परेशान जो है लगातार किया जा रहा था, यहीं की यहीं ये गाड़ी खड़ी हुई है, टस से मस नहीं हुई है। आज 45 दिन बाद कस्टमर खुद जो है, जब हम यहाँ पहुँचे उसके बाद इस गाड़ी को वो खुद देख रहा है, और देखा ये गाड़ी के जो पहिए वहीं के वहीं जाम हैं जहाँ पर जो है इसे खड़ा किया गया था। कहा गया था इस गाड़ी को रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी हैरेसमेंट कुछ ज़्यादा ही जो है वो होने लग गई। आप देख लीजिए गाड़ी, मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों जो है, क्योंकि जो इंश्योरेंस था उन्होंने कहा वो कंपनी से ही लोग आजकल करवाते हैं, ये सोचकर कि जिस तरीके से उन्हें कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और सारा हेडेक जो है वो एजेंसी ले लेगी। लेकिन उसके बावजूद 45 दिन से अभी तक गाड़ी ना तो रिपेयर की गई है, बल्कि इसी बात पर कहीं ना
कहीं इंश्योरेंस कंपनी अड़ी हुई है कि इसका जो टोटल लॉस दिखाया जाएगा, जबकि कस्टमर ने कहा कि इसका टोटल लॉस नहीं बल्कि वो चाहते हैं ये रिपेयर हो जाए, ये रिपेयर हो जाएगी तो उसका अगर ऊपर का कोई अमाउंट बनता है, जितना भी लोन अमाउंट यानी जितना भी इसका इंश्योरेंस अमाउंट है, इंश्योर्ड अमाउंट है, उससे ऊपर अगर रिपेयर का कोई चार्जेस होगा तो वो कस्टमर खुद पे करेगा। ये बात कस्टमर जो है उनसे हम आपको खुद ही बता करवा देते हैं। 45 दिन से यहाँ लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ नहीं आ रहे। सर आपने कहा था कि ऊपर का कोई अमाउंट रिपेयर का होगा मैं खुद पे करूंगा। मैं खुद पे करूंगा तो, लेकिन फिर भी अभी अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुई। जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि गाड़ी आप हमारे को बेच। हाँ जबरदस्ती हमारे साथ जबरदस्ती है, क्या साइन करके जाओ, कल हमारे से कही है क्या गया साइन करके जाओ। तो ये मान के जब आपने आके इनको बात बताई कि मुझे यहीं से फोन आया मेरी गाड़ी, ये कहते हैं नहीं इन्होंने ये मान गए हैं, कल है कंपनी से फोन आया, इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया, ये मान चुके हैं इस बात को। हाँ जी फोन तो गाड़ी तो आपकी आगे से डैमेज है, पीछे तो सारी ओके बिल्कुल। मैं गाड़ी बेचना नहीं चाहते, हम रिपेयरिंग करना चाहते हैं। टोटल लॉस तो उसको बोलता है जो जो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। हाँ ये तो बिल्कुल साफ गाड़ी है। क्या नाम है इनका? इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, मैनेजर सामने ही खड़े हैं, मैनेजर भी जो मैनेजर है उनसे भी बात कर लेंगे, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है जो इंश्योरेंस के यहाँ पर मार्केटिंग जो देखते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों जो है इस गाड़ी को इस तरीके से किया गया। सर मुझे अब आपसे एक बात जाननी है, ये गाड़ी हम देख रहे हैं, साइड प्रोफाइल देख लिया, सब कुछ देख लिया, गाड़ी टोटल लॉस कैसे आई है? सर ये तो सर देखो कंपनी की कॉल है, इंश्योरेंस कंपनी बता रही है गाड़ी की जो आप, आपको काफी वर्ष हो गए हैं सर इस लाइन में, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये टोटल लॉस है गाड़ी है? गाड़ी की जो आईडीवी है जो इसकी लॉस्ट है कॉस्ट वो आईडीवी के 75% को क्रॉस कर रही है। 75% का नहीं, वो कह रहे हैं कि जो 12 लाख रुपए का सेटलमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और सर्वे कस्टमर के आपस के अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है, ठीक है जी। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर रही है, वो कस्टमर कह रहा है हम रिपेयर करवाने तो क्या बस की बोल रहे हैं कि जितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है अगर वो यहाँ से डैमेज होगी तो पूरी गाड़ी को यहाँ टोटल लॉस किया गया, पहले भी ऐसे ही हुआ है? सर पहले तो देखो वही बता रहा हूँ, इसमें कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसके एयरबैग सारे के सारे खुले हुए हैं, 6 लाख तो एयरबैग है सर। तो सर जो एयरबैग तो रिपेयरेबल है ना, मेरे बिना पूछे एयरबैग तो रिपेयरेबल है ना, नया लग जाता है अभी तक गाड़ी ना तो ये डिक्लेयर हुई है टोटल लॉस और ना ही गाड़ी सेल हुई है। सर फिर गाड़ी के पास फोन कैसे जा रहा है कि आपकी गाड़ी सेल हुई है? सर ये देखो कस्टमर उनके पास कॉल नंबर है, इस चीज में मैं नहीं कह सकता ना। कैसे वैल्यू लगवा दी सर, जब कस्टमर बेचना नहीं चाहता आप वैल्यू कैसे लगवा रहे हो सर? वैल्यू कैसे लगवा दी सर, वैल्यू कैसे लगवा रहे हो आप? पूरा मैटर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट मैटर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी आईडीवी वैल्यू जो होती है उसके बेस पर देने को रेडी है, बिकॉज की इसका लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एयर बैग ओपन हो गए, एयर बैग की अकेले की कॉस्ट 6.5 लाख के आसपास की कॉस्ट है, जो मेन लॉस इसमें एयर बैग को लेके है। उन्होंने अपने हिसाब से गाड़ी की वैल्यू लगा दी कि इतनी है और आईडीवी वैल्यू चेक करी इंश्योरेंस कंपनी, फिर उन्होंने देखा कि इसको हमें टोटल लॉस करने में ही उनको बेनिफिट दिखाई दे रहा अपना। आज की डेट में 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है, उस समय 35 लाख रुपए की थी, अगर वो इसको टोटल लॉस दिखा देते हैं कस्टमर दोबारा फॉर्च्यूनर लेगा, पैसा कितना दिन से पे करना पड़ेगा सोचिए एक बार। यानी कि वो चाहता है कि मैं रिपेयर करवा दूं और गाड़ी जो है उसके जो ऊपर का एक्सक्लूडिंग जो चार्जेस है वो मैं दे दूंगा, फिर कस्टमर को क्यों जबरदस्ती डिमांड है? एज इट इज हमने इंश्योरेंस कंपनी में फॉरवर्ड की हुई है, मेल की हुई है, उसी बेसिस पे कस्टमर को एक मेल कर मना कर सकते हैं। आपके चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए आप लोग। इंश्योरेंस हम कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी कस्टमर आता है तो हम एज इट इज कस्टमर की मेल भी करते हैं और कस्टमर के साथ में फोन कॉल पे कस्टमर की बात भी कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी में कि इसको रिपेयर पे लेके आए। फिर गैप कहां रह गया सर? 45 दिन तक गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी के ऊपर मिट्टी जाम हो चुकी है, 45 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी हुई है, मतलब कि ना उस पे कवर्ड तक भी कंपनी ने नहीं किया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 45 दिन के बिना उसे कोई गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई कंपनी के द्वारा कि वो कहीं कोई काम पे चला जाए कुछ है, तो इतनी बड़ी हैरेसमेंट कस्टमर क्यों झेलेगा? आपके कस्टमर हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, क्या वो खराब नहीं होते हैं? सर कस्टमर हमें पता है खराब हो रहे हैं सर, इसलिए हम कस्टमर का सपोर्ट कर रहे हैं, डे वन से कस्टमर को सपोर्ट किया जा रहा है कि आज सर क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, गेट बंद किया गया था। सर आप उनसे पूछ देते हैं हमने कितनी बार इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया और मेल किया इनके बिहाफ पे कि इसको रिपेयर पे लेके आ सके, क्योंकि रिपेयर पे करना हमारा बेनिफिट है, टोटल लॉस में सर इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहता, कॉल आती है कि गाड़ी बिक रही है नहीं बिकेगी सर, कस्टमर के कहने के बिना बिना साइन SBI इंश्योरेंस कंपनी है, SBI इंश्योरेंस कंपनी है और वैल्यू लगवाई है सर्विस की, SBI इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे ही फोन किया। आपको क्या लगता है कंपनी का फेलियर नहीं है ये कि इस तरीके से कस्टमर हैरस हो रहा है 45 दिन तक? आपके हिसाब से इस गाड़ी को इतने समय तक कोई गाड़ी को कि रोज डैमेज गाड़ियां आती हैं 45 दिन तक खड़ी रहती कोई गाड़ी है? नहीं नहीं, इसीलिए सर जो मेजर लॉस गाड़ियां हैं हमारे पास बहुत आती हैं और इंश्योरेंस आपके हिसाब से मेजर है, आपने तो बहुत बहुत टोटल इंश्योरेंस सिर्फ आगे से ही डैमेज है वैल्यू के हिसाब से, गाड़ी की वैल्यू नहीं है ना इस समय, आईडीवी के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू 15 लाख के आसपास है, वो 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए तो एयरबैग की कॉस्ट आ
जाएगी उसके अंदर। हमने इंश्योरेंस कंपनी में इनके बिहार पे दोबारा रिप्लाई भेज दिया कि कस्टमर को एग्री नहीं है, रिपेयर करना ही चाहता है और अगर कोई उसके वैल्यू से ऊपर कॉस्ट जा रही है वो देने को रेडी है। जो डिसीजन आना है इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन आना है। कंपनी को पहले से मैसेज किया था उन्होंने, वो हमने अभी दिखाने वाले हैं कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं उसका अमाउंट पे कर दूंगा। इवन अभी तक कस्टमर परेशान हो रहा है कि वो पैसा भी देना चाह रहा है, कोई लड़ाई नहीं है किसी बात की, लेकिन अभी तक गाड़ी यहीं खड़ी है। तो इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल सर, जैसे ही एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी से कोई रिस्पांस आएगा हम भी कस्टमर की फेवर में, सर कस्टमर ने गाड़ी हमारी ग्लोब टोयोटा ही खरीदी है, टोयोटा का कस्टमर है वो, हम एसबीआई के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि इंश्योरेंस जो एसबीआई से है, जैसे ही हमें वहां से अप्रूवल आएगा हम गाड़ी रिपेयर कर देंगे उनकी, लेकिन अप्रूवल में एसबीआई से आना है। बिल्कुल दिन नहीं आया तो कस्टमर इतनी ठंड में अगर उनके पास एक ही नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल दोस्तों आप देख लीजिए, मैं आपको ना वो बकायदा मैसेज भी दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा कि आखिर वो किस तरीके से, क्योंकि वो मैसेज भी उनके पास ही है जो उन्होंने कंपनी को बकायदा उन्होंने मैसेज कर दिया कि मैं उसका अमाउंट पे कर देता हूं लेकिन गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, उन्होंने कहा है एयरबैग की 6 लाख रुपए कीमत है, अगर एयरबैग की 6 लाख भी कीमत है और बाकी गाड़ी का कम खर्चा है अगर हम ये बात मान भी लें तो कस्टमर ये बात कहता है कि वो एक्सक्लूडिंग अमाउंट को पे कर देगा, तो उसके बावजूद कंपनी उसे ज़बरदस्ती 45 दिन तक गाड़ी को यहाँ खड़ा करके उसकी हैरेसमेंट कर रही है और बकायदा अभी तक कोई ऐसा अप्रूवल नहीं आया है जिसमें इस गाड़ी को रिपेयर करना शुरू कर दिया गया हो, यानी गाड़ी की जो अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, ये गाड़ी के चक्के यहीं पर जाम है पिछले 45 दिन से। कस्टमर से बात भी करने की कोशिश करेंगे, पुलिस से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि अभी इस मामले में क्या कर रहे हैं, हालांकि जो थाना मधुबन है उसके पास ही एजेंसी पड़ती है तो वहीं से पुलिस से भी जो है फिलहाल यहां पर लोग पहुंचे हुए थे, पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं इस मामले में अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। तो इस मामले में थाना मधुबन से जयकिशन जी आई हुए हैं, सर क्या कुछ पूरा मामला है, आप यहाँ आए थे और क्या कुछ इस बारे में कहेंगे, आगे कार्रवाई क्या हो रही है? ऐसे जी, राजकुमार ने कंप्लेंट दी है भी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी के एक्सीडेंट के उसमें इंश्योरेंस कंपनी वो तो कहती है अभी टोटल लॉस है, लेकिन वो कहते हैं अभी हम मुदई पार्टी कहते हैं टोटल लॉस नहीं देना चाहते हम, इसी संबंध में इन्होंने कंप्लेंट दी है। अब कंप्लेंट के बाद दोनों पक्षों को 4 बजे बुलाया है, जैसे भी उनकी जो बातचीत होगी उनके पूछताछ करके जैसे भी करूँ कार्रवाई होगी। सही जी जी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल हम इस एजेंसी पर मौजूद हैं, हालांकि फिलहाल जो कंप्लेनेंट हैं वो फिलहाल मौके पर हैं, उनसे भी बात दोबारा करने की कोशिश करेंगे, तो एक बार वहीं चलते हैं। तो दोस्तों बात करने की कोशिश करते हैं जी, अभी आपने अभी क्या कह रहे हैं कि कोई बातचीत हो रही है आपकी? अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, अभी तक कोई ना सोल्यूशन है ना कुछ, पुलिस बीच में है, पुलिस को अप्लीकेशन दे चुके हैं, अब जो होगा वो देखते हैं इंतजार करते हैं, नहीं तो दोबारा फिर मैंने कोई ना कोई ना 45 दिन बाद अपनी गाड़ी देखी है। हाँ 45 दिन बाद आज मैंने गाड़ी देखी है, नहीं तो अंदर जाने भी नहीं देते थे ये। जी 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 जी, तो फिलहाल अपना नाम सर? मेरा राजकुमार। कहाँ रहते हैं? शिव निवासी शिवा। तो यहाँ आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पर लोभन देती हैं लेकिन कैसे इंश्योरेंस जो है लोगों को मिलते हैं ये आपने तस्वीरों में देखा है, आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।